हेलो दोस्तों, मैं अभिमन्यु स्वागत करता हूँ फिर से एक बार आप सबों का हमारे YouTube चैनल लर्न इजली विद अभिमन्यु में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज भारत सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य कोरोना वायरस के बारे में लोगों तक सही और सटीक जानकारी देने के लिए बनाया गया है। इस ऐप की सबसे खासियत यह है कि यह आप के आसपास के कोरोना मरीजों को ढूंढ निकालता है। यह ऐप 11 भाषाओं में बनाया गया है और यह दूसरों के साथ बातचीत के आधार पर कैलकुलेशन करेगा। दोस्तों, इसमें ब्लूटूथ या वाईफाई आपके फ़ोन का ऑन होना चाहिए और यह ऐप डिवाइस से यूज़र के डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में लेता है और इसके बाद यह यूज़र के डेटा को सर्वर पर भेजता है और इससे यूज़र को पता चल पाएगा कि वह किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया था या नहीं। यह ऐप 6 फीट के दायरे में आने वाले यूज़र्स को नोटिफिकेशंस भी भेजता है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करेंगे और कैसे इसकी सेटिंग करेंगे। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर पर हम सर्च करेंगे आरोग्य सेतु ऐप और हम सर्च कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा लिस्ट आ रहा है NICEGOV मोबाइल ऐप हेल्थ एंड फिटनेस, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। और दोस्तों देखिए, एप्लीकेशन को मैंने पहले ही इंस्टॉल करके रखा है तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे सिंपली इसको हटा दूँगा। आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। मैं अपने सिस्टम पे जाऊँगा और आरोग्य सेतु ऐप को ओपन करूँगा। तो दोस्तों, ये यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखा रहा है, हमें इसे पढ़ लेना है या फिर आपको अगर पढ़ने का नहीं मन है तो सिंपली आपको स्किप कर देना है। और ये रजिस्टर नाउ का पेज आ जाता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने मोबाइल को इस ऐप के थ्रू रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे हमें अलाउ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे कुछ हमें अपने मोबाइल को इस ऐप को परमिशंस देना है, जैसे कि डिवाइस लोकेशंस, ब्लूटूथ, डेटा शेयर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है और हमें अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ। और दोस्तों, जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करते हो तो यहाँ पे एक OTP आ जाता है और ये OTP ऑटो फिल्टर होके वहाँ पे ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा और खुद ब खुद आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे ले जाएगा। और यहाँ पे कुछ आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे मेरा जेंडर पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पे मेल अपना जेंडर दे देता हूँ। यहाँ पे कुछ मेरा नाम पूछा जा रहा है तो मैं अपना नाम भर देता हूँ। एज पूछा जा रहा है, मैं अपना एज डाल देता हूँ। मेरा प्रोफेशंस पूछा जा रहा है तो मैं, इनमें से मेरा कोई भी प्रोफेशंस नहीं है तो मैं यहाँ पे नन ऑफ द अबव पे क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट कंट्री ट्रैवल आउटसाइड इन लास्ट 30 डेज, तो मैंने कोई भी कंट्री लास्ट में नहीं ट्रैवल किया है तो मैं यहाँ पे नन पे सेलेक्ट कर दूँगा और सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे आ रहा है रेडी टू वॉलंटियर इन द टाइम ऑफ नीड्स, मैं यहाँ यस पे क्लिक कर दूंगा। कंफर्म सबमिशंस में मैं सबमिट कर देता हूँ। आर यू फीलिंग वेल, मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। टेक 20 मिनट सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, तो मुझे यहाँ पे 20 मिनट का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा, मैं उस पर भी यस पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, मैं सिंपली उस क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन, आर यू experiencing any of the following symptoms, मुझे कफ, फीवर, तो मैं मुझे इस तरह का कोई भी नहीं है तो मैं यहाँ पे none of these पे क्लिक कर दूंगा। Have you ever had any of the following, क्या मुझे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, लंग्स डिजीज़ है या फिर हाइपरटेंशन, मुझे इस तरह का कोई भी बीमारी नहीं है तो मैं यहाँ पे none of these पे क्लिक कर दूंगा। Have you traveled anywhere internationally in the last 14 days? मैंने कोई भी travel नहीं किया है 14 दिनों के अंदर में, तो मैं यहाँ पे no पे क्लिक कर दूँगा। Which of the following apply to you? I have interacted or live with someone who had tested positive for COVID-19. I am a healthcare worker
एंड आई एम एग्जामिन ए कोविड मैन, या दोनों में से कोई भी मेरा मैच नहीं कर रहा तो मैं नन ऑफ दीज पे क्लिक करता हूँ। विच इन्फेक्शन रिस्क इज़ लो, वी रिकमेंडेड दैट यू स्टे एट होम टू अवॉइड एनी चेंज ऑफ एक्सपोजर टू दी नोवेल कोरोना वायरस, रिटेक द सेल्फ असेसमेंट टेस्ट इफ यू डेवलप सिम्पटम और कम इन कॉन्टैक्ट विद अ कोविड 19 कन्फर्म पेशेंट। ओके दोस्तों, जब आखिरी में आप सबमिट कर देंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि यू आर सेफ, मतलब कि आप कोरोना वायरस से ग्रसित नहीं हैं। और यहाँ पे कुछ रिकमेंड करने को बोल रहा है, जैसे कि आपको मेंटेन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और लगातार टेस्ट देते रहना है, यहाँ पे बार बार आके, एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में, और रेगुलरली अपडेट को भी चेक करते रहना है दोस्तों। और हम किस तरह से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ तरीका बताया गया है, जैसे से हाय विदाउट हैंडशेक, हमें हाथ मिलाना नहीं है हाय कहने के समय, अवॉइड सोशल गैदरिंग, हमें एक जगह पे भीड़ नहीं लगाना है, और 6 फीट की दूरी से ही हमें एक दूसरे से बात करनी है, और हमें 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है एक दूसरे से। नेक्स्ट है कि हाउ टू से स्टे सेफ, हम एक दूसरे से स्टे सेफ कैसे रहेंगे, तो यहाँ पे दिखाया गया कि हमें मास्क यूज़ करना है बात करते समय, या फिर छींकते समय हमें अपने रुमालों को ढकना है। दूसरा, लर्न मोर अबाउट कोविड 19, हमें कोविड 19 से रिलेटेड जानकारी लेते रहनी है, और हम कैसे इसके अगेंस्ट लड़ सकते हैं इसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस ऐप में सब कुछ बताया गया है, बहुत ही अच्छा ऐप है, आप इसे डाउनलोड करें और यूज़ करें, बहुत ही अच्छा ऐप है, मैं भी डाउनलोड करके यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप पीएम केयर फंड में कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उस पीएम केयर फंड का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यूपीआई और बैंक सब कुछ का डिटेल्स दिया हुआ है। आप अगर अपनी स्वेच्छा के अनुसार कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं। लास्टली दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि हमें कैसे आरोग्य सेतु ऐप का यूज़ करना है और क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है इस ऐप को यूज़ करने में। तो दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा होगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको वीडियो देखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।